बच्चों, वेलकम बैक टू इलाज कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बहुत बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, मल्टीपल्स किसे कहते हैं, तो आज हम वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो फैक्टर्स उस नंबर को कहते हैं जब एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो उसको हम उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर 5 जो है वो 15 को डिवाइड करेगा, तो 5 जो है वो डिविजर है, 15 को हम डिविडेंड बोलेंगे। 5 की टेबल में 15 जो है वो 3 पर आएगा, सो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हम कहेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। अब 15 क्या है? 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप हम ले सकते हैं 27 एंड 3। तो 27 को 3 डिवाइड करेगा, 3 के टेबल में 27 जो है वो 9 पर आता है, सो 3 9s are 27, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सो हम कहेंगे कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27 एंड 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। आपस में कॉम्बिनेशन देखिए इनका, 3 जो है वो फैक्टर बन जाएगा 27 का और 27 जो है वो मल्टीपल बन जाएगा 3 का। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के। आपको हर बार फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो है वो फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एलसीएम में आपको मल्टीपल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एचसीएफ निकालते हुए आपको फैक्टर्स चाहिएगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 जो है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि हमें पता है कि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। 1 into 2 is 2, 1 3 is a 3, 1 4 is a 4, so 1 is a factor of every number. Second है कि every number, हर number जो है वो अपना खुद भी factor है। Every number is a factor of itself. जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27, बट 3 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ आल्सो, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3 आल्सो। एंड 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 का और कोई फैक्टर नहीं है। सो 1 इज द ओनली नंबर having only one factor. बाकी जितने भी numbers हैं उनके at least two factors हैं। एक तो number itself, जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम 2 के factors को लिखें तो 2 का first factor हमेशा 1 होगा and second factor is 2, the number itself. 2 इसके अलावा और किसी की table पे नहीं आता। So next last point है हमारा कि every other number has at least two factors. वो numbers जिनके सिर्फ दो factors हैं उनको हम prime numbers बोलेंगे। जैसे 4 है, 4 का first factor है 1, second ये 2 की table में भी आता है और 4 अपनी टेबल में भी आएगा, तो 4 जो है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये थे फैक्टर्स। अब सेम वे में हम मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज को समझेंगे।
हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है. एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे. 4 की टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो 4 के मल्टीपल्स हैं. जैसे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. सो 4 जो है वो खुद का भी मल्टीपल है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर 1 का भी मल्टीपल है क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं. 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3. तो 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं. तो 1 का जो है उसके सभी मल्टीपल्स हैं. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. मतलब जितने भी उस नंबर के मल्टीपल्स हैं या तो वो उस नंबर के बराबर हैं, जैसे हम इसमें देखेंगे 4 4 4 के बराबर है, या उससे बड़े हैं. बाकी जितने नंबर्स इस टेबल में आएंगे वो सभी 4 से बड़े होंगे, या एक नंबर ऐसा होगा जो उसके बराबर होगा, उसके इक्वल होगा. और किसी भी नंबर के मल्टीपल जब हम लिखेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा, मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ. उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा. तो ये थे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स और देखते हैं. अगर हमें लिखना है सपोज 7 के मल्टीपल्स, तो हमें बस 7 की टेबल लिख देनी है. इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है. आप सबको टेबल्स जरूर याद करनी चाहिए. टेबल्स अगर याद होंगी तो सारा काम बहुत इजीली आप कर पाएंगे. तो हमने ये टेबल लिख सकते हैं और टेबल को हम जहां तक चाहें आगे बढ़ा सकते हैं. हमें उसको सिर्फ आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाना है. 7 1s are 7 2s are 7 3s are 7 4s are 7 5s are. तो ये हम कहीं तक भी चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं. ये जितने नंबर्स हैं ये सब हैं उसके मल्टीपल्स. अब सेम वे में हम फैक्टर्स में आपको बताती हूँ कि फैक्टर्स कैसे निकाल लेंगे. हम फैक्टर्स की कुछ एग्जांपल कर लेते हैं. तो नंबर ले लेते हैं फैक्टर्स का एग्जांपल के लिए. लेट्स टेक 16. तो अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 16, तो 16 को हम लिख लेंगे. तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है और नंबर इटसेल्फ भी अपना फैक्टर होता है. तो मैंने, ताकि हमारे सारे फैक्टर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, मैंने स्टार्टिंग में 1 लिखा है, एंड में 16 लिख दिया. अब मैं टर्न बाय टर्न सब टेबल्स को चेक करूंगी. 16 क्योंकि इवन नंबर है तो 2 की टेबल में डेफिनेटली आएगा. तो 2 की टेबल में 16 कहाँ आता है? 2 8s are 16. तो यहां पर मैं 8 लिख दूंगी. अब 3 की टेबल में 16 नहीं आता, 4 की टेबल में ही आता है. 4 की टेबल में कहाँ आता है? 4 पे आता है. 4 4s are, तो 4 हम सिर्फ एक बार लिखेंगे. इसके बाद 5 की टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता. तो ये जितने नंबर्स हैं ये सब इसके फैक्टर्स हैं. तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो नंबर है, जो इसका फैक्टर है, वो नंबर इटसेल्फ ही है. तो इसमें आप देख सकते हो कि एंड में, सबसे एंड में मैंने सिर्फ 16 ही लिखा है. वो इसलिए लिखा है क्योंकि फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ ही होगा. बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो उससे छोटे होंगे. और मल्टीपल्स में यू कैन सी कि इससे अपोजिट है. मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर जो है, जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो नंबर होगा और बाकी जितने मल्टीपल्स हैं वो उससे बड़े होंगे. तो दोनों अपोजिट हैं. सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ, सबसे छोटा मल्टीपल नंबर इटसेल्फ. यहाँ पे स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है वो नंबर होगा, यहाँ पे लार्जेस्ट फैक्टर जो है वो नंबर होगा. इसका आपको ध्यान रखना है. अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, प्राइम नंबर है तो 1 तो सबका फैक्टर होगा ही होगा. 13 इसके अलावा सिर्फ अपनी टेबल में ही आता है. तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे. 2 के फैक्टर 1 एंड 2, 3 के फैक्टर 1 एंड 3. तो बच्चों ये जो है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कंप्लीट हो गया. एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको और ध्यान रखना है कि फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड है, उनको आप काउंट कर सकते हो.
मल्टीपल्स जो है वो एंडलेस है, इनफाइनाइट है, मींस आप उन्हें कितना मर्जी भी आगे बढ़ा सकते हो। ये टॉपिक हमारा इसके साथ खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।